अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आए हैं झेलम और आज हम आपको दिखाएंगे किला रोहतास जो कि झेलम से थोड़ी आगे है। ये सदियों पुराना किला किसने तमीर किया और इसकी तमीर और तरक्की में किस किसने हिस्सा डाला और ये इसकी तारीखी नौयत क्या है, ये सारी बातें हम आज आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलो आओ दोस्तों, किला की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो ना किला रोहतास में पहुंच चुके हैं और ये किला रोहतास जो ना जनूबी एशिया के सबसे बड़े किलों में से एक किला है। इसका शुमार होता है बहुत बड़े किलों में। ये शेरशाह सूरी साहब ने, जिनका असल नाम फरीद खान था, इसने ये किला तमीर किया। सबसे पहले इन्होंने 1541 में इसकी तमीर का हुक्म दिया। ये किला तकरीबन 1548 में 7 साल के मुख्तसर अरसा में तमीर हुआ और इस किला को 1997 में तारीखी आलमी विरसा की फहरिस्त में शामिल किया गया। दोस्तों, इस किले के बहुत सारे दरवाज़े हैं और जो मशहूर दरवाज़े हैं उनमें से शाह चांद गेट, काबली गेट, शीशी गेट, लंगरखानी गेट, तलाकी गेट, गुड्डे वाला गेट, बादशाही गेट। और दोस्तों, इस किले में और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे कि बादशाही मस्जिद, फांसी घाट और इसके अलावा बहुत सारी इमारतें हैं। रानी महल है, वाला तो ये आप देख सकते हैं। ये किले की दरवाजे दीवार जो कि बिल्कुल अभी तक अपने असल हालत में मौजूद है। वक्त के साथ, गुजरने के साथ साथ दोस्तों, इस किले पे भी काफ़ी असरात पड़े हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये किला जो है अपनी असल हालत में मौजूद है, जो कि जनूबी एशिया के बड़े किलों में से इसका शुमार होता है। हम आज कोशिश करेंगे कि आपको किले की जो ना सैर करवाएं और इसके बारे में जो मालूमात हैं वो भी आपके साथ शेयर करें। तो ये फारसी नुक्ता नज़र, फौजी नुक्ता नज़र से जो ना किला तमीर किया गया था और शेरशाह सूरी साहब वही थे जो जिन्होंने मुग़लों को शिकस्त दी मुग़लों को बरसीर में। तो मुग़लों की सरकोली के लिए ये जो ना किला तमीर किया गया था और इसकी तमीर में जो ना बहुत से मुसलमान उलमा इकराम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इसकी इतनी तरक्की में हिस्सा डाला था, माली तौर पे भी और रूहानी तौर पे भी। तो ये किला सदियों पुराना किला है जिसकी हैबत आप देख सकते हैं। आज भी इसके तमाम गेट कायम दायम हैं। किला के अंदर आज भी जो ना रोहतास की आबादी रहती है, किला रोहतास के लोग इधर रहते हैं और बहुत ज़्यादा आबादी है उनकी। ये झेलम से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। शाह चांद वाली गेट, ये भी एक गेट है, शाह चांद वाली गेट। और दोस्तों, इसकी अभी तक जो ना हालत बिल्कुल वैसी है जैसी पहले थी। थोड़ा बहुत इसको नुकसान पहुंचा है वक्त के साथ साथ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका बहुत ख्याल रख रही है, इसका आपकी विरसा में शामिल है। ये
ये दोस्तों ये बहुत तुलसी और रीज रकबे पे फैला हुआ किला है। इसको देखने के लिए कम से कम पूरा दिन चाहिए और आज गर्मी काफ़ी है। अभी हम आपको रानी महल की तरफ लेके चलते हैं। ये अपनी नौयत का एक अजीबोगरीब महल है। ये किला की सतह ज़मीन से ऊपर है, काफ़ी बना हुआ और कुछ हिस्सा इसका अभी तक अच्छा में मौजूद है, लेकिन कुछ हिस्सा जो ना मदम ही हो गया। दोस्तों ये पोठोहार का इलाका है और ये काफ़ी गर्म इलाका है, तो आज काफ़ी गर्मी थी लेकिन फिर भी हम इधर आए हैं स्पेशल किला को देखने के लिए, इसकी तारीख जानने के लिए। ये रानी का महल है जो कि एक कमरा नीचे है और कुछ ही साइज का ऊपर है, इसको रानी महल बोला जाता है। ये देख सकते हैं अभी तक जो ना कैमदैम है ये, और बहुत मजबूती से बना हुआ ये महल है। छोटा सा है लेकिन बहुत मजबूत है। ये भी किले के अंदर है, बिल्कुल सेंटर में है किले के, और दूसरी इमारतों की नस्बत काफ़ी हाइट पे है, ऊंचाई पे है। ये डबल स्टोरी है, इसके नीचे भी एक कमरा है। ये वो दूसरा कमरा है। ये दूर दूर तक किला रोहतास फैला हुआ है, इसकी इधर दीवार काफ़ी दूर तक काफ़ी रकबे पे फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा किला है और बहुत खूबसूरत किला है। दोस्तों इसकी तारीखी नौयत इस किले की बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ये तारीखी नौयत के लिहाज से। अभी हम चलते हैं मान सिंह की हवेली की तरफ। तो दोस्तों मान सिंह शेरशाह सूरी साहब के फौज के सुपा सलार थे। जब इनकी हवेली की तमीर शुरू हुई तो मान सिंह को मद्रास इंडिया में जाना पड़ गया जंग के लिए, तो उधर ही वो वफात पा गए जंग के दौरान, वापस नहीं आए। तो जिस तरह उनकी हवेली जितनी बनी थी उसी तरह उसकी रह गई, उसमें बाद में तमीर नहीं की गई इसकी। और ये है उनकी हवेली मान सिंह की, ये भी डबल स्टोरी है, कुछ कमरे नीचे हैं, एक दो कमरा नीचे है और एक जो ना उसके ऊपर है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। ये मान सिंह की हवेली है जो के सुपा सलार थे शेरशाह सूरी साहब के, और बहुत दलेर आदमी थे। देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत नौयत की बनी हुई हवेली है। ये भी किला के अंदर मौजूद है और बिल्कुल किला के दरमियान में वाकया है। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो 200 ऊपर चढ़ के
हम आपको दिखाएंगे। ये इतनी हाइट पे है कि इधर से किले का सारा व्यू नज़र आ जाता है। ये भी मान सिंह की हवेली का हिस्सा है ये छत, और काफ़ी हाइट पे जो ना ये कमरा बनाया गया, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में किला के सबसे ऊंचाई पे वाक़या रेलिंग है। अभी नीचे आते हैं और आपको जो ना फांसी घाट की तरफ लेके चलते हैं। ये किला की मुख्तलिफ जो ना दरो दीवार हैं जो कि कहीं से ख़राब हो चुकी हैं और कहीं से बिल्कुल अपनी असल हालत में हैं। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी हाइट पे वाकया है। ये मान सिंह की हवेली है जो कि आपको वाजह नज़र आ रही है। अभी हम आपको फांसी घाट की तरफ लेकर चलते हैं। ये फांसी घाट का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों, उस ज़माने में जिस शख्स को सजा दी जाती थी तो सारे किले के लोग जो है ना आबादी को इकट्ठा किया जाता था ग्राउंड में। तो पहले ऐलान किया जाता था कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है, इसको इस जुर्म की ये सजा दी जाती जानी है। तो ये फांसी घाट जो ना इसी हिसाब से बनाया गया है कि इससे
पूरे किले के लोग जो ना इसको देख सके, और ये काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है। अभी हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, और ये फांसी घाट का गेट है दोस्तों, जो कि अभी तक कायम दायम है। ये जगह वो फांसी घाट वाली, यहाँ से गालबन लटकाया जाता होगा जिस शख्स को फांसी दी जाती होगी। ये वो कमरा है जो कि उस दौर का बना हुआ है और अभी तक जो ना कैम कैम है। अभी हम ऊपर चलते हैं फांसी घाट के ऊपर। ये दोस्तों काफ़ी ऊंचाई पे वाकया फांसी घाट है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला है, बताया है कि उस दौर में सदा देने के लिए एक स्पेशल चबूतरा तमीर किया जाता था, ताकि लोग जो ना इबरत का निशान बन जाए, जिस शख्स को सजा दी जाए उसको सब लोग देखें। ये वो चबूतरा है फांसी घाट का। ये किले की बैकग्राउंड है दोस्तों, और दिखाई नजर से ये बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है। यहाँ से कोई भी हमलावर किले की तरफ आ नहीं सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि ये बहुत ही संगलाक किस्म के पत्थर हैं, पहाड़ियाँ हैं, दरख्त उगे हुए हैं कंटेदार, यहाँ से कोई किले की तरफ आ नहीं सकता। आज भी जो ना ये इधर कोई भी रास्ता नहीं है किले की तरफ आने के लिए। कम से कम एक या दो दिन चाहिए इसको घूमने के लिए, इसको मुकम्मल सर्च करने के लिए, देखने के लिए। ये किला बहुत वसी और इस किला है। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है।
मीठा नहीं था, किले के अंदर पानी मीठा नहीं मिलता था, तो फिर शेरशाह सूरी साहब ने किला सराब करने के लिए ना बहुत गहराई में खोदा गया, वो एक कुआं खुदवाया जो कि आज भी कायम है। मैं हम नीचे जा रहे हैं और आपको किले के दूसरे साइड में दिखाते हैं इधर क्या कुछ है। ये एक जेल नुमा कमरा है और ये है भी कैदियों को डालने के लिए, इसके आगे भी गेट बंद लगा हुआ है और ये काफ़ी लंबा चौड़ा कमरा है। दोस्तों ये किला इस तरह तमीर किया गया, इसके कमरे इस तरह तमीर किए गए हैं कि अभी हम अंदर आए हैं तो अंदर जो ना मौसम बजरात बहुत बेहतर है बाहर की नस्बत, जब इधर कोई रोशनदान नहीं है, कोई पंखा नहीं लगा हुआ, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन बाहर की नस्बत अंदर काफ़ी जो ना टेम्परेचर डाउन है। और हम भी इधर जो ना ज़रा सांस लेने के लिए खड़े हो गए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बाहर। ये समझ लें कि आज के दौर की हवालात है, जिस तरह हमारे पुलिस स्टेशनों में हवालात होती है मुजरमों को कैद करने के लिए, ये भी एक हवालात टाइप है कमरा। लेकिन दरख्त बहुत कम है, अगर हैं तो वो छोटे छोटे हैं, छांव वाले दरख्त बहुत कम हैं, छोटे छोटे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। तो आज गर्मी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो ना हम इधर ज़रा छांव में बैठेंगे। ये महल है बादशाह का जो कि किले के बिल्कुल सेंटर में वाक़ है और बहुत बड़ा महल है। ये भी हम आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं इस महल की जो ना दर दीवार बहुत खूबसूरत तमीर की गई है और इसकी ज़रा खस्ता हाली हो गई है, लेकिन फिर भी जो ना इसके काफ़ी जो ना हिस्सा बचा हुआ है जो कि अभी तक पहन गए हैं। ये सदियों पुराना किला है दोस्तों, तो सदियों के दरमियान क्या कुछ होता रहा है किले के साथ पता नहीं, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन इसका अभी तक कैमरा है सिमोजेस।
परिवार को दरारें पड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग खड़ी है और अपनी तारीख बता रही है। जो लोग हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखना पसंद करते हैं उनके लिए एक शाहकार है, वो लोग इधर जरूर आए और उसको जरूर देखें। दोस्तों शेरशाह सूरी साहब ने ये किला तमीर किया था दिखाई नुकसान नज़र से, लेकिन उनको इस किले में रहने का इतना मौका नहीं मिला। उनकी सारी ज़िंदगी जो ना जंगों और जंगल में गुजर गई, वो इधर बहुत कम रहे हैं, लेकिन उनकी फौज उनकी राया जो ना जबकि रही है। शेरशाह सूरी साहब ने बरसगीर में और भी बहुत से काम करवाए थे, जैसे कि ये जीटी रोड जो पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान को मिलाता है, ये भी शेरशाह सूरी साहब ने तमीर करवाया था और ये उनका बहुत बड़ा कारनामा था। काबुल से लेके कराची तक तक जो ना ये जीटी रोड जाता है और साथ साथ इन्होंने इसके मुख्तलिफ माइलेज पे मुसाफर खाने तमीर करवाए, उधर पानी का इंतज़ाम करवाया, मस्जिदें तमीर करवाई। तो शेरशाह सूरी साहब जानते थे कि किस तरह हुक्मरानी की जाती है, वो आवाम को सहूलतें देना चाहते थे। ये किला भी उन्हीं का तमीर किया हुआ है, उन्हीं के दौर में तमीर किया गया है, जो कि आज भी जो ना रोहतास के मुकाम पे झेलम के करीब वाक़ है।
की वजह से दोस्तों इधर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इधर बहुत कम लोग आए हुए हैं। ये कुछ लोग बच्चे और जवान लोग इधर आए हैं साहिवाल से, तो वो छाऊ मेरे साथ बैठ के हैं और इतना जानते नहीं है किले के बारे में, किले की तारीख के बारे में, उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो ये काफ़ी लोग हैं जो कि पूरी बस भर के आए हैं और स्पेशल ये किला देखने के लिए आए हैं साहिवाल से। ये देख सकते हैं ये भी किला में फैल गए हैं सब, और किला का विजिट करने के लिए आए हैं साहिवाल से। और जितनी मालूमात मुझे थी किले के बारे में मैंने इनको बताई है। साथ गपशप की है आज, ये बड़े एक्साइटेड लोग हैं, ये साहिवाल से चले हैं सिर्फ किला के पास देखने के लिए। तो आप इससे इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किला कितना मशहूर है, कितना फेमस है। दोस्तों आज हमने पूरी कोशिश की है कि हम किला के बारे में जितनी मालूमात हैं आपके साथ शेयर करें, आपको बताएं, और आप भी इधर आ सकते हैं, लेकिन मौसम का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। सर्द मौसम में आना चाहिए क्योंकि ये पोठोहार का इलाका है और बहुत गर्म इलाका है। तो इसके साथ ही दोस्तों हम किला रोहतास से आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज बहुत ज़्यादा दर्जा रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी,
इसलिए हम जो ना मुकम्मल किला नहीं देख सके, तो गर्मी की वजह से हमारा बुरा हाल हो गया। तो ये कमाल की जगह है, ये कमाल का किला है। शेरशाह सूरी साहब ने ये जो बनाया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का किला है। बाद में मुग़ल बादशाहों ने इधर बहुत से काम किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।